हाँ जी दोस्तों, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। आप सभी को आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने पेज वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाल्मीकि पावर पर। और आप देख सकते हैं आज 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर हम सब यहाँ मौजूद है जींद हरियाणा में बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर। और आज यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे जींद शहर के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, तो हम उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए सर, 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं अभी जिस प्रकार का माहौल है यहाँ, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। तो हम ये बात करते हैं कृष्ण मिड्डा जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो आपको कैसा लगा आज यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जन्मोत्सव है, और आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है? देखिए, बाबा साहब के इस जन्मोत्सव पर जी, आज बाबा साहब की प्रतिमा जो अष्ट धातु से बनी हुई है और संसद का चित्र बना हुआ है इसके ऊपर रखी जा रही है, बहुत ही, क्योंकि संविधान लिखने में जो इन्होंने किया आज तक उसी संविधान को माना जा रहा है, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इसमें मेरी भूमिका भी रही कि, और इसलिए मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि जींद सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ रहा है। आप लगातार देख रहे हैं प्रत्येक चौक पर सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है ये रानी तालाब के बाहरले पोर्शन में लगाई गई है, तो ये एक देखने वाला। जी जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी जो सुबह शोभा यात्रा बाबा साहेब की जो निकाली गई थी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिए, मुख्य तौर से मौजूद थे। तो एक क्वेश्चन आपसे मिड्डा साहब, ये हम पूछना चाह रहे हैं क्योंकि ये मूर्ति तकरीबन इसको बनने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि तकरीबन 4-5 सालों से हमारी ये मांग थी ये मूर्ति लगे, बट इतना टाइम हो गया, क्या रीज़न था उसके पीछे इतनी लेट करने का? देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक बात बोला कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन 2-3 महीनों में ही मैंने इस प्रतिमा को आप सबके प्यार और उसकी वजह से तैयार करवा के लगा दिया। क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उनके पीछे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये अवसर मुझे प्रदान हुआ। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ में मौजूद हमारे साथी, हाँ जी आदरणीय अंकल जी, आप बताइए आपको आज किस प्रकार का महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये गौरव की बात है। आज बहुत ही देखने के, देखो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में, और जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए आज वो दिन आ गया, बड़ा खुशी का दिन है। जी जी बिल्कुल, तो आप सभी को इस चीज़ की शुभकामनाएं। एक बार सभी जोरदार ताली से विधायक जी का स्वागत कीजिए, और इस जो है आज का कार्यक्रम हुआ है उसका। तो दोस्तों आपको, तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर विधायक कृष्ण मिड्डा जी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपने हाथों से लोकार्पण किया, और आप देख सकते हैं यहाँ जो ये बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, तो हमारे सभी साथियों पर मौजूद है। तो आपको जोड़ते हैं हम अगली कड़ी से। शुक्रिया, जय वाल्मीकि, जय भीम।